तो आपका स्वागत है फिर से। विज्ञान का पेपर कक्षा 10वीं का होने वाला, उसमें से हम 5 पार्ट के जय प्रक्रम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो 2, 3 और 4 नंबर के आएंगे, जिसमें से आप लोग बने रहिए, देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए हम आपको बताते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो आपके परीक्षा में आएंगे, अवश्य ही आएंगे। पहला आपको कर लेना है कि गोल्डन वाला कर लेना है, फिर यहाँ पर स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में कर लेना, प्रकाश संश्लेषण कर लेना, 2020 में पूछा गया था ये। और हमारे यहाँ से मिलार की भूमिका है, अम्ल की भूमिका है, पाचन एंजाइम के कारण नहीं, पंच भोजन अवशोषण शोषण ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा, ये याद कर लेना है, पढ़ लेना है। मनुष्य में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन कैसे होता है, ये नहीं बने आएगा। फिर आपको कर लेना है पादोजन भोजन पचन की भूमिका, ये आपका कर लेना है। स्वपोषी एवं विषमपोषी कर लेना है, निसर्गिक कर लेना, 3-4 याद कर लेना। फिर हमारे शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन की, ये कर लेना है। फिर मनुष्य में दोहरा संरचना की उपाय जाते हैं, ये कर लेना है। फिर हाँ जाइलम और फ्लोइस, ये कर लेना है। उत्सर्जित तो नहीं करना है, नहीं नहीं फिर आपको चले जाना, हाँ विषमपोषी कर लेना है। 2023 में पूछा गया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मानव निर्मांतिक का चित्र, ये आप लोग अवश्य ये बनना चाहिए, 4 नंबर का आएगा। ये रखा हुआ है, तुम देख लो, ये रखा हुआ है। फिर आप लोगों को कुछ नहीं करना, फिर एक ये चित्र ये बना लेना, ये अवश्य आएगा। धमनी और शिरा में ये 4 अंतर याद करना, 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों देख लेना ठीक से, इन चारों को याद करना, ये आपके 4 नंबर का आता है। फिर आपको वायवी शोषण नहीं आएगा, फिर आपको पौधे नहीं आएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया समीकरण विधि नहीं आएगा, पौधे वृद्धि, फिर आपके में से जाइलम, ये दोनों अंतर आप लोगों को, जाइलम फ्लोएम रक्त लसिका में अंतर आपको कर लेना है। 4-4, 4-4 नहीं 3-3 कर लेना है। हाँ तो चलो दोस्तों, हो गया है 5 नंबर खत्म। अब आपको हम मिलेंगे अगले वीडियो में, पार्ट 6 में, जो है आपका नियंत्रण एवं सम्मान। चलो दोस्तों, बाय, सी यू, फिर मिलेंगे। जो दोस्त नए आए हों वो लाइक सब्सक्राइब करते रहें।